छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं का परिणाम आज 25 जुलाई को 12 बजे घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद अब छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साइंस सिंह टेकम ने आज वर्चुअल तरीके से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं परीक्षा में इस साल करीब 2.5 लाख छात्रों ने भाग लिया था। रिजल्ट की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साई सिंह टेकम ने कहा, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12वीं बोर्ड 2021 के नतीजों को ऑनलाइन जारी किया गया। कुल 2,84,107 छात्रों के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के दौरान माननीय संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय व छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव उपस्थित थे। बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं अलग तरीके से हुई थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने इस साल छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका देकर घर से कॉपी लिखकर लाने को कहा था, यानी छात्रों को अपनी नोट्स और किताबों से देखकर परीक्षा देनी थी, वो भी घर में। परीक्षा के लिए दिया गया समय पूरा होने पर छात्रों को स्कूल में कॉपियां जमा कराने के लिए कहा गया था। वहीं महामारी को देखते हुए CBSE, CISCE समेत ज़्यादातर स्टेट बोर्डों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार कराया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड उन कुछ बोर्डों में से एक था जिन्होंने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने देश भर के कई अन्य बोर्डों के विपरीत परीक्षाओं को रद्द नहीं किया। हालांकि ये परीक्षाएं COVID-19 महामारी के चलते अनोखे तरीके से आयोजित की गई थी। स्कूलों ने छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पत्र दिए थे। छात्रों ने तब अपने घरों पर ही परीक्षा लिखी और केवल स्कूलों में उत्तर पुस्तिका जमा करा दी। इससे पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बोर्ड कई अन्य बोर्डों की तरह परीक्षा के बजाय छात्रों का आकलन करने के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति जारी कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं किया गया। बोर्ड ने इन परीक्षाओं को लिखने के विभिन्न वैकल्पिक तरीकों को भी जारी किया और उन छात्रों की समस्या को ध्यान में रखा जो COVID-19 से प्रभावित हो सकते थे। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।